सुनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्कार मैम। जी। डॉक्टर साहब, मेरे दो तीन सवाल है। एक जी तो जी फरमाइए। मेरे हस्बैंड के पैर में जो गांठें हुई थी, ये पहले तो वो जख्म हो गए तो अब गांठें बनी हुई है, ये ठीक नहीं हो पा रहा। इनको शुगर भी है। और जी, एक मेरे कंधे के बीच में पीछे इतना पेट दर्द होता है जब मैं काम ज्यादा कर लेती हूँ कि मेरे से ना सीधा होया जाता, ना लेटा जाता, ना बैठा जाता। और जी, एक मेरे पेट में सूजन रहती है, पता नहीं क्यों। उम्र मैं 3 साल कितनी? से खा रही हूँ डॉक्टर साहब आपकी दवाई। घर का काम सारा खुद ही करती हैं आप? आज मैं करती हूँ जी, सब झाड़ू पोछे? मैं करती हूँ जी डॉक्टर साहब। जी हाँ देखिए, इसीलिए मैं बार बार मना करता हूँ कि इलाज के दौरान जब आपका इलाज चलता हो और आपको उसका पूरा फायदा उठाना हो तो झाड़ू पोछा, कपड़े हाथ से धोने और ये सब ना करें, नहीं तो कम फायदा होगा, आपको शिकायत रह जाएगी। कुछ पैसे दे दीजिए किसी काम वाले को और मेहनत का काम उससे कराइए, 2-3 महीने लगातार, जैसे झाड़ू पोछा, कपड़े धोने, वजन उठाना। महिलाएं ज़्यादातर आप जैसी होती हैं, मानती नहीं है। वो आता है गोंद, गोंद जामुन, एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम पानी के साथ खिलाइए, खाने से बाद या खाने के पहले, लेकिन एक चुटकी से ज़्यादा मत खिलाना। तो ये शुगर को कंट्रोल करते हुए जख्म भरने की सलाहियत भी रखता है। बिल्कुल। पंजाब से हैं बलवंत जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। मेरा बेटा है 30-35 साल का, हकीम साहब से पूछना था। उसको ना एक्सीडेंट हुआ था उसका, तो उसके दिमाग में चोट लगी थी, तो उसने 2 साल तो दवाई खाई है, तो अब भी उसका दिमाग ना सही नहीं है, मतलब गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो उसके लिए पूछना था कि कोई यूनानी में कोई दवा है तो उसके लिए बता दिए दिमाग के लिए उसके। हाँ जॉब पे जाते हैं वो? जी हाँ जी जॉब पे जाते हैं? हाँ जी, काम पे तो जाते हैं, मतलब गुस्सा जल्दी आ जाता है, जैसे दिमाग अच्छे से अभी वो है, ठीक है मैम, काम कम तो करते हैं सब। हाँ जी ठीक है जी। एक और भी बगैर दवा के भी इलाज है गुस्सा कम करने का, बच्चे को थोड़ा, बच्चे की तारीफ कीजिए और ये कहिए कि मेरा बेटा गुस्सा बिल्कुल नहीं करता, चाहे वो कितना ही गुस्सा करता हो। और डायरेक्ट मत कीजिए, किसी और से कहिए और वो उससे कहे कि मेरे बेटे ने अब गुस्सा छोड़ दिया है, मेरा बेटा अब बहुत समझदार हो गया है। जितनी भी उसकी बुराइयां हैं उनको अच्छाइयों बदल के कीजिए, ये भी एक बड़ा अच्छा इलाज है। मैंने बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होते हुए देखा। तो 2-3 लोगों से ऐसा करिए कि वो रोज़ तारीफ करें कि तुम्हारी माँ कह रही थी कि बहुत सब्र वाला हो गया है, बहुत संयम वाला हो गया है, अब गुस्सा नहीं करता, अब बड़ी बड़ी बातें पी जाता है, अब बहुत बुरा जवाब नहीं देता, बड़े सलीके से बात करता है। ये भी एक बहुत अच्छी थेरेपी है, अगर आप शुरू करें तो उसके नतीजे फौरन ही आते हैं बगैर दवाई के। और वैसे भी कूल रखने के लिए हम धनिया, आंवला और सौंफ, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें, इनका पाउडर बना लें और 1 चम्मच खिलाकर इनका, और 1 चुटकी नमक जैतून पानी मिलाकर इस पानी से उनको खिलाएं दिन में 1 बार या 2 बार, इससे भी हमें बड़ी राहत रहती है।